Audio Jungle. चौबीस मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। इस डेढ़ महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने परसों जनता से सुझाव मांगे, काफी क्रिएटिव सुझाव लोगों ने भेजे हैं। क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए? अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं। अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए। लेकिन इस पे लगभग लोगों की सहमति है। बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलने चाहिए, उसमें काफी ज्यादा कॉन्टैक्ट होता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। लेकिन लोगों ने ये पूछा कि जी ये जो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आपने कहा है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इसका क्या लॉजिक है, कोरोना से इसका क्या लेना देना है? तो लोगों का कहना था कि ये वाली टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर सबका कहना है कि अभी बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। इस पे लगभग सबकी आम सहमति है कि जितना भी खोला जाए सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी होनी चाहिए, और कई लोगों ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों पे सख्त फाइन लगना चाहिए। कई लोगों ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं, उनका कहना है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी खुलने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा में एक पैसेंजर अलाउड होना चाहिए, टैक्सी में केवल 2 पैसेंजर्स अलाउड होने चाहिए, हर सवारी के बाद वो डिसइंफेक्ट करें। अधिकतर लोगों ने कहा कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बस में 20-25 से ज़्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन 3 के दौरान अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई, तो लोग कह रहे हैं कि इजाज़त तो दे दी लेकिन जाने के लिए साधन तो नहीं दिया ना, बसें नहीं खुलेंगे तो जाएंगे कैसे? अधिकतर मार्केट एसोसिएशंस का ये कहना है कि मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलने चाहिए। उन्होंने कहा जी ऑड इवन करके खोल दो, एक दिन आधी दुकानें, दूसरे दिन आधी दुकानें। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ अभी फिलहाल अलाउड है कि वहीं पे आसपास रहने वाले मजदूर ही अलाउड होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मजदूर तो दिल्ली में जगह जगह रहते हैं, तो दिल्ली के मजदूर अलाउड हों ऐसी व्यवस्था की जाए। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं होनी चाहिए। आने वाला समय काफ़ी कठिन समय है। आपके सुझावों के आधार के ऊपर आज शाम को 4 बजे LG साहब के साथ हमारी दिल्ली की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है। आप लोगों ने जितने सुझाव भेजे हैं इन सभी सुझावों के ऊपर चर्चा होगी, और उसके बाद दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। नमस्कार। Audio Jungle.